लव रोमांस और फैमिली ड्रामा का कॉम्बिनेशन है स्टार प्लस का लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसके हाल ही के ट्रैक में आपने देखा कि अक्षरा की मौत का सच जानने के बाद नायरा टूट जाती हैं बहुत बुरी तरीके से और छोड़ देती हैं गोइंका हाउस, और इसके साथ ही साथ कार्तिक से भी बातचीत कर देती हैं बंद। जी हाँ, कार्तिक और नायरा की हाल ही में शादी हुई थी, और अपनी शादी के बाद जब नायरा को लगा इस बात का पता कि वो कार्तिक की ही बहन मानती हैं जिसने उसकी माँ अक्षरा को किया था उससे दूर, तो वो खुद को संभाल नहीं पाती और चली जाती हैं गोइंका हाउस से बहुत दूर। और इस सब के बाद नक्श, गौ और कीर्ति करते हैं एक सरप्राइज पार्टी प्लान, वो भी कार्तिक के बर्थडे के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे माहौल में पार्टी का तो कोई मतलब नहीं बनता। अरे जनाब, सुनिए तो आगे आगे होता है क्या। अगर खबरों की माने तो कार्तिक और नायरा को मिलवाने के लिए नक्श, कीर्ति और गौ ने बनाया है ये प्लान, और उन लोगों के प्लान के मुताबिक नायरा सब कुछ भुलाकर आ जाती है गोइंका हाउस और सबके साथ सेलिब्रेट करती है कार्तिक की बर्थडे पार्टी, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। वेल, अब जब नायरा ने कर ही दिया है मानसी को माफ और सब कुछ भुलाकर वापस आ ही गई है गोइंका हाउस, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही सलामत रहे ये कार्तिक नायरा की जोड़ी। अपने फेवरेट शोज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से सिद्धार्थ भुटानी की रिपोर्ट।